नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। जीवीसी अपडेट आज आपको होशियारपुर से बड़ी अपडेट देने जा रही है, जहां पर आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं दिव्यांग सेवा के तहत आज श्री महावीर सेविका संगठन रजिस्टर्ड जो होशियारपुर है उनकी ओर से दिव्यांगों को अंग प्रदान करने के लिए, जो कृत्रिम अंग हैं वो प्रदान करने के लिए एक बड़ा मेगा मेडिकल कैंप आयोजित किया गया, जिसमें वो उनके निरीक्षण के बाद उन्हें अंग भी प्रदान करते हैं। कुछ इस प्रकार से संगठन कार्य कर रही है कि उनकी सराहना हर तरफ, हर घर में हो रही है, हर जवान पे सराहना हो रही है। आखिरकार हम आपको भी प्रत्यक्ष दिखा देना चाहते हैं कि श्री महावीर सेविका सेंटर रजिस्टर्ड जो होशियारपुर है उनकी जो कार्य प्रणाली है वो किस प्रकार कार्य करती है, और किस प्रकार से आज कैंप में दूर दूर से जो दिव्यांग हैं वो आकर पहुँचे हैं, यहाँ कैंप में अपना निरीक्षण करवा रहे हैं। निरीक्षण के बाद जो श्री महावीर सेविका संगठन रजिस्टर्ड होशियारपुर है उनके द्वारा ही इनको कृत्रिम अंग प्रदान करने का भी कार्य किया जाता है। ये सारा जो कैंप है, सारा कैंप निःशुल्क है और इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता, जिसके कारण दूर दूर से जो लोग हैं, आखिरकार समाज के ये एक ऐसे वर्ग हैं जिनकी और इनका ध्यान गया है कि इन्हें भी समाज के साथ चलने का, समाज में ढलने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, और ये भी अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग समझे और इनके जो अंग कम हैं उन अंगों को इन्हें प्रदान कर इन्हें साधारण जीवन में वापस लाया जा सके। हम बातचीत कर लेंगे श्री महावीर सेविका संगठन के पदाधिकारियों से भी और आपको उनकी विचारधारा से भी अवगत करवाते हैं। जहां आप कैमरे की नज़र से देख पा रहे हैं कि दिव्यांगों का जो निरीक्षण किया जा रहा है, डॉक्टर की टीम की ओर से अभी बुजुर्ग जो अपना चेक करवा रहे हैं, जिनका आप कैमरे की नज़र से देख पाएंगे कि इनके एक पैर नहीं है, तो उनकी पूरी मेजरमेंट की जा रही है और उनके बाद इनको कृत्रिम अंग देने का जो कार्य है वो किया जाएगा। तो ये सारा मेडिकल जांच के उपरांत और सारी बातचीत के उपरांत जो भी इनकी हिस्ट्री रही है वो यहाँ की जो टीम है उस हर एक पहलू से जांच कर रही है, और उनके बाद इन सब का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और जैसे इनका नंबर आता है उनके बाद इनको यहाँ बुला लिया जाता है। सो लगातार जुड़े रहें आप जीवीसी अपडेट के साथ। आपको बताते चलें कि श्री महावीर सेविका संगठन रजिस्टर्ड होशियारपुर जो है, होशियारपुर है, वो दिव्यांग सेवा योजना के तहत अंतर्गत ट्राई साइकिल्स, व्हील चेयर, बनावटी अंग, बैसाखी कैलिपर, पोलियो बूट निःशुल्क वितरित करती है। उनके साथ साथ इनकी दूसरी योजना जो है तृप्ति सेवा योजना, इसके अंतर्गत ज़रूरतमंद परिवारों को मासिक राशन वितरित किया जाता है। ज्ञान सेवा योजना इनका है, इसके अंतर्गत ज़रूरतमंद बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाती है। ये स्थान जो है जैन स्थानक गढ़ी गेट नज़दीक टैगोर पार्क होशियारपुर, जहाँ से आज आपको हम सीधे प्रत्यक्ष कैमरे की नज़र से आपको आज के कैंप का दृश्य दिखा पा रहे हैं, और कैंप से जुड़ी सारी जानकारियां आज आपको हम अपने जीवीसी अपडेट के माध्यम से दे पा रहे हैं। हम इनके अध्यक्ष से ही बातचीत करते हैं और सारी जानकारी आपसे बांटते हैं। आ रहे हैं, अगर कोई दूर दराज से दिव्यांग यहां पहुंचे हैं तो उनके भोजन की व्यवस्था भी की गई है ताकि वो किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करें। कैंप में उनके लिए लंगर की व्यवस्था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी यहाँ कैंप में की गई है ताकि उनके यहाँ से उन्हें हर प्रकार की जो सुख और जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो पाएँ। हमारे साथ जुड़े हैं संस्था के पदाधिकारी, आप देख पा रहे हैं महिलाएं हैं और महिलाओं ने आगे आकर के समाज सेवा का प्रमुख जिम्मा अपने मजबूत कंधों पर उठाया। आखिरकार कहाँ से इनको इतनी प्रेरणा मिलती है? मैम क्या नाम है आपका? राखी जैन। राखी मैम, किस प्रकार से आज के कैंप का आयोजन किया गया? हमारा ये कैंप 6 सालों से चल रहा है, उससे पहले भी हमारा ये इंस्टीट्यूट बहुत पुराना है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये इस बार का जो कैंप है हमारा, इसमें हमारे काफ़ी बेनिफिशरीज जो हमारे ये दिव्यांग आप देख ही रहे हैं 50 से प्लस हैं, और अभी ये सिर्फ दिव्यांग जो आर्टिफिशियल लिम्स वाले हैं, बाकी हेयरिंग एड वगैरह और हमारे जो राशन के हैं केसेस वो सभी अलग से हैं, और जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो सब केसेस हमारे अलग से हैं। जो मैम श्री महावीर सेविका संगठन है जो रजिस्टर्ड है, इनकी टीम में सिर्फ महिलाएं हैं? बिल्कुल, महिलाएं हैं सारी। और क्या क्या कार्यप्रणाली, कौन कौन सी गतिविधियां, एक्टिविटी जो है वो समाज में इनके तहत की जाती है? मैम क्या नाम है आपका? नीता। नीता मैम, कौन कौन सी एक्टिविटी श्री महावीर संगठन सेवा जो रजिस्टर्ड होशियारपुर है ये करती है? बेसिकली हमारा ना 3 विंग्स में काम हो रहा है, हमारा करुणा सेवा में हो रहा है, तृप्ति सेवा चल रही है उसमें क्योंकि हमने राशन के लिए फैमिलीज़ अडॉप्ट की हुई है, उनको हर महीने राशन जाता है, जो हमारा कोविड के दिनों में भी नहीं रुका, हमने उसको नहीं रोका वहाँ पर। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स अडॉप्ट हुए हैं, इसके अलावा हमारा दिव्यांग सेवा का है जिसमें हम दिव्यांगों के लिए जो भी उनको चाहिए होता है वो चीज़ें अवेलेबल कराते हैं।
जो ये दिव्यांग हैं वो आपसे संपर्क कैसे करते हैं? आखिरकार इस वीडियो के माध्यम से दुनिया भर के लोग आपको देख रहे होंगे, जिन्हें आपकी ज़रूरत, आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, वो किस प्रकार से आपसे संपर्क करते हैं? हम वैसे तो जब ये कैंप लगाते हैं तो उसके लिए हमारे पैम्फलेट्स भी न्यूज़पेपर में जाते हैं, हम पोस्टर्स भी लगवाते हैं सारे पूरे शहर में लगवाते हैं। इसके अलावा हमारा ऑटो या रिक्शा, ई रिक्शा भी पेन ड्राइव के साथ पैम्फलेट्स के साथ पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके बाद हमारी जो ई रिक्शा चलाने वाली महिलाएँ हैं, हमने उनसे भी संपर्क किया था, उन्होंने भी इस बार हमें बहुत साथ दिया और उन्होंने भी हमारे पैम्फलेट्स को काफ़ी जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन में मदद की। दूसरी चीज़ मैम, ये स्थान जो है जहाँ आज ये कैंप लगाया गया है, थोड़ा हमारे दर्शकों को इस स्थान का पूरा परिचय जरा दे दी। आप बताओ मैम, इस स्थान पर अगर किसी ने पहुँचना है, आपसे उन्होंने मिलना है, आपकी संस्था से उन्होंने संपर्क करना है, तो थोड़ा स्थान का परिचय दे। ये जैन स्थानक है, गढ़ी गेट में है, नियर टैगोर पार्क। हाँ जी, हमारे जो ये जैन सभा, SS जैन सभा के अंडर है और हमारे जो महाराज जी हैं वो इन 4 महीनों में यहाँ पे चातुर्मास करते हैं, तो उन दिनों में ही हम लोग ये कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। मैम, बात हुई तृप्ति सेवा की, आपने बात की, तृप्ति सेवा के अंतर्गत क्या आता है? तृप्ति सेवा के अंतर्गत हम राशन वितरित करते हैं, नियर अबाउट 30 फैमिलीज को हम हर महीने राशन वितरित करते हैं। अब ये जो परिवार हैं, इनको आइडेंटिफाई करने में तो बड़ी दिक्कतें आती होगी आपको कि कौन जरूरतमंद है कौन नहीं है, तो ये सब कैसे समझते हैं? हम प्रॉपर सर्वे करने जाते हैं, हम 5-7 लेडीज वो पहले हमें एप्लीकेशन दे के जाते हैं, उसके बाद हम सर्वे करते हैं और जिन फैमिलीज़ को हमने अडॉप्ट भी किया हुआ है ना, तो उन फैमिलीज़ को भी अगर उनके बच्चे बड़े हो गए हैं तो हम उन फैमिलीज़ को फिर छोड़ देते हैं, तो नई फैमिलीज अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर कोई कमाने वाला नहीं है उनके घर में तो हम उनको राशन देते हैं, अगर कोई उनका कमाने वाला बच्चा कोई आ जाता है आगे तो हम उनको ड्रॉप करते हैं। और जो आप विद्यार्थी अडॉप्ट करते हैं वो उनका आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आप? वो एक्चुअली स्कूल के प्रिंसिपल के थ्रू हम करते हैं आइडेंटिफाई कि आपके बच्चे कौन से इंटेलिजेंट है, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो फीस नहीं पे कर पा रहे, तो हम वो प्रिंसिपल से करते हैं, सीनियर क्लासेस। मैम, एक लंबा सफ़र आपके संगठन ने तय किया समाज सेवा में, कोई ऐसा यादगार पल जो आपके दिल को छू गया हो, जो आप हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहते हो, तो कृपया ज़रूर हमसे शेयर करें। बहुत से पल हैं क्योंकि जो हमारे बेनिफिशरीज आते हैं और जब वो हमसे यहाँ कुछ मिल जाता है उनको, और उसके बाद जो उनके चेहरे की चमक होती है ना, वो अपने आप में अनूठी होती है, उसको हम बयान भी नहीं कर सकते, और उसके बाद जो ब्लेसिंग्स हमें वो देके जाते हैं ना, हमें लगता है कि शायद हम इसी वजह से उस काम को आगे आगे बढ़ा पा रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती हमारे लिए, कि जो उनके चेहरे पर जो खुशी होती है ना कि आज वो आत्मनिर्भर हो गए हमारी वजह से, ये बहुत बहुत अनूठा एक्सपीरियंस होता है। तो एक बड़ी बात और है मैम, आपकी संगठन महिलाओं की संगठन है और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर आप आ गए हैं। आज हम देश भर में महिलाओं के प्रति जितनी घटनाएं देख रहे हैं मैम, आज भी देश के अंदर बड़ी संख्या में महिलाओं को घर के अंदर सीमित करके रख दिया गया, उनको घूंघट के अंदर सीमित करके रख दिया गया, महिलाओं को आप क्या संदेश कन्वे करना चाहेंगे कि वो समाज सेवा के कार्यों में भी अग्रिम हो? बिल्कुल, इसी मोटिव से ये शुरू किया गया था ये, कि हम लोग घर में बैठे हैं, एटलीस्ट हमें अपने तरफ से हमें कुछ एफर्ट्स करनी चाहिए। जेंट्स ये सब कुछ कर ही रहे थे ऑलरेडी, सब करते ही हैं, बट हम अपने पॉकेट से कुछ भी चाहे थोड़ा सा ही करें, लेकिन अपना लेडीज़ का एक ग्रुप अपने एफर्ट्स के साथ कुछ क्रिएट करें, और आज क्रिएट करते करते वो हम इस मुकाम तक पहुँच गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हमारी ओर से। सो आपने सुनी किस प्रकार से महिलाओं ने अपने विचार रखे, ये वो टीम है श्री महावीर सेविका संगठन रजिस्टर्ड जो होशियारपुर है, उनकी टीम है, और इनकी टीम में सिर्फ वो महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, जो कि अपना योगदान समाज में देना चाहते थे, उन्होंने एक योजना के तहत कार्य करना शुरू किया। मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन साहब यहाँ से अगर एक बार से आपको पूरा दृश्य दिखाएं, तो आप हर एक टेबल पे आप महिलाओं की भागीदारी देख पा रहे हैं, यहाँ नाम के रजिस्ट्रेशन से लेके उनके नाम को रजिस्टर में नोट करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनकी मेजरमेंट से लेकर के यहाँ भोजन की व्यवस्था को लेकर के आप हर जगह महिलाओं की भागीदारी देखेंगे, यहाँ तक कि अगर इन्होंने यहाँ पे कैंप में आए हुए दिव्यांगों में से किन्हीं को आवाज़ भी मारनी है, वो भी इनके महिलाओं की जो टीम है, इनके संगठन की जो टीम है, वो मैदान में डटी हुई हैं और अपने घरों से निकल कर के ये वो महिला बताते चलें, ये वो महिलाएं हैं जो नित्य घरों में अपने घरों से निकल करके, उन चार दीवारियों से निकल करके अपनी सोच को समाज के आगे, देश के आगे रख रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाएं जो हैं वो किसी में, किसी भी कार्य में किसी से कमतर उनको नहीं आंका जा सकता, ये सीधा और स्पष्ट उदाहरण है। सो बताते चलें, कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, GVC अपडेट।